हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन मार्केट में। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लेकर आए हैं अनवांटेड किट, जो कि दोस्तों एक अबॉर्शन किट है, यानी कि जो बच्चे को गिराने वाली टेबलेट है। दोस्तों आज हम किट के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि इसके क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है और किस तरह से, सबसे मेन चीज़ दोस्तों किस तरह से आप इस किट को इस्तेमाल करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपनी वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले तो हम इसकी थोड़ी सी बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये अनवांटेड किट मैनकाइंड कंपनी का बेस्ट प्रोडक्ट है और आप देख सकते हैं कि आपको जो 5 गोली की ये किट है, 5 गोली की किट है दोस्तों, और ये मैनकाइंड का बेस्ट प्रोडक्ट है दोस्तों। इसका अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो माइफ्रेस्टोन और मिसोप्रोस्टोल, यानी कि इसमें दोस्तों ये जो ऊपर वाली टेबलेट है माइफ्रेस्टोन है, ये 200 mg की एक ही टेबलेट है, और बाकी की 4 टेबलेट दोस्तों इसकी पावर 200 mg है। ये मिसोप्रोस्टोल है 4 गोली, ये माइफ्रेस्टोन सिर्फ 1 गोली है। दोस्तों अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं और इसके बेनिफिट तो आखिर आपको पता ही है। दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ कि आप इस किट से कितने महीने का बच्चा अबॉर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों यह 1 दिन से लेके 2.5 महीने तक का बच्चा अबॉर्शन आप इससे करा सकते हैं बहुत आसानी से, बशर्ते इसका तरीका जो मैं बताऊँ तरीका वो ही इस्तेमाल करवाना बिल्कुल। दोस्तों यह 5 टेबलेट की एक किट है। अगर हम इसके MRP की बात करें तो इस पर 393 इस पर MRP है। और ख़रीदने से पहले दोस्तों इसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ पर। दोस्तों यह आपको बाज़ार में किसी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी, आपके गाँव में, आपके मेडिकल स्टोर पर, नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही सारे नामों से ये मिल जाएगी दोस्तों किट। लेकिन उनमें सब में सबसे ज़्यादा जो वायरल किट है, सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग किट है, वो अनवांटेड किट है। बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है इसका दोस्तों। दोस्तों अगर हम इसके यूज़ेस की बात करें, दोस्तों सबसे मेन चीज़ आप ध्यान से देखें ज़रा, ये एक ही वाली टेबलेट, एक ही वाली टेबलेट दोस्तों पहले दिन इन दोनों टेबलेट को मिला के एक साथ खिला दें, और ये वाली टेबलेट ये पेशाब की जगह यानी कि विजाइना में रखवानी है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों आपका 1 दिन का कोर्स। दोबारा से सुन ले दोस्तों, ये दोनों टेबलेट खिलवानी है एक साथ और ये रखवानी है। खाना खाने के बाद दूध से, चाय से दोस्तों आप अपने गर्लफ्रेंड को या फिर वाइफ को खिला सकते हैं, और ये टेबलेट रखवानी है विजाइना में, यानी कि पेशाब की जगह पर रखवानी है ये टेबलेट। और रखवाने के बाद थोड़ी देर उनको आराम के लिए बोलें, और दोस्तों याद रखें कि खाली पेट बिल्कुल भी नहीं दिलवाएं, दूध से चाय से दिलवाएं। दोस्तों दूसरे दिन उसी टाइम पर यानी कि 24 घंटे बाद ये टेबलेट खिलानी है और ये टेबलेट रखवानी है, ये टेबलेट खिलानी है और ये रखवानी है दोस्तों, दूध से चाय से खाना खाने के बाद। और जब ये रखवा लें विजाइना में यानी कि पेशाब की जगह पर रखवा दें, तो आप अपने वाइफ से या फिर गर्लफ्रेंड से जो भी कोई हो उनसे बोल दें कि थोड़ी देर आराम कर लें, जिससे कि ये विजाइना में जाके आसानी से अच्छी तरीके से ऑब्जर्व हो जाए। और दोस्तों आपका जो काम है वो पहले दिन ही में, यानी कि ये 3 टेबलेट ही काम कर देंगे, लेकिन फिर भी आपको 2 टेबलेट दूसरे दिन खिलवानी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो हल्का फुल्का सा कतरा रह जाता है वो दोबारा से उस चीज़ को पनप जाती है, वो चीज़ जो मतलब बच्चा है वो दोबारा से पनप जाता है। तो इस वजह से दोस्तों इसका पूरा कोर्स कराएं, ये किट ही 2 बार में दी जाएगी, 2 दिन तक का काम है इसका। और दोस्तों ये 2.5 महीने तक, 1 दिन से लेकर 2.5 महीने तक इस किट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप 2.5 महीने का मतलब 2.5 महीने की प्रेगनेंसी है और आप इसको अबॉर्ट कराना चाह रहे हैं, दोस्तों इसके साथ में आपको बादाम का इस्तेमाल कराना पड़ेगा। 5-5 बादाम दिन में 3 बार खिला सकते हैं उनको। और यदि आपको 1.5-2 महीने की है तो आपको वैसे ही उसमें बादाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इस चीज़ के चलते जो इसका परहेज रहेगा वो ठंडी चीज़ों का परहेज रहेगा, उस टाइम पर आपको बिल्कुल गर्म चीज़ें खिलवानी है, चाय का इस्तेमाल कराना है, बादाम का इस्तेमाल कराना है, जिस चीज़ गर्म है उनका इस्तेमाल कराओ दोस्तों।
दोस्तों ये थे इसके यूज़ करने का तरीका, बेनिफिट दोस्तों इसका यही कि आप इसको अबॉर्ट करा सकते हैं, बच्चे को गिरा सकते हैं। और दोस्तों अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग का हो जाना, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लीडिंग हल्की हल्की होती रहती है, कई कई महीने तक हल्की हल्की ब्लीडिंग होती रहती है, ये दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। दोस्तों अगर इस तरह के साइड इफ़ेक्ट दिखाई दें तो दोस्तों आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, या फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई तुरंत देंगे। दोस्तों तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी और समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, और कोई हमसे बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई तुरंत देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।